नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरनटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ का चैप्टर एवरेज लेकर आए हैं। एवरेज बराबर होता क्या है, पहले जान लो। औसत इक्वल टू दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, रामों की संख्या। सबसे पहले दोस्तों, हम जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका थ्योरी बताएंगे, इसके बाद सीधा प्रश्न को हल कराएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि छोटा से छोटा वीडियो बने और छोटे से छोटे यानी कम समय में आपका सवाल सॉल्व हो सके। यदि एक निश्चित दूरी यस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरे यात्रा में औसत क्या होगा? तो औसत बराबर हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब हम देखेंगे कि दूसरे तरह से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ लिया, हम इसे शॉर्ट में कैसे इसका एवरेज निकालेंगे? तो इसका हम एवरेज निकालेंगे, पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या लेंगे, यानी 1 प्लस n अपॉन 2। यह एक शॉर्ट तरीका है। अब हम उसी तरह से अगर विषम प्राकृतिक संख्या दिया है तो क्या करेंगे? तो यही रूल अपनाएंगे। एक ही रूल से हमारा कई प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। 2n-1 अपॉन 2। यदि प्रथम यन सम संख्याओं का औसत निकालना है, हम इसका भी शुरू वाला और लास्ट वाला योग करके अपान में 2 से भाग दे देंगे, तो इस तरह से हमारा यह इस तरह पर सॉल्व हो जाएंगे। इसमें दोस्तों यह रूल कहाँ से आया? यह रूल समांतर माध्य से आया। अगर आप कोई श्रेणी दिया है उसका आगे वाला पद और पहले वाला पद घटाइए, फिर इधर भी घटाइए और बीच में घटाइए, अगर समान आ रहा है तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। एक व्यक्ति कार से नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो प्रश्न पूछ रहा है पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ ऐसे सवालों क्या किया जाता है, 2ab/a+b। तो मान लेते हैं ए है और ए बी, इतना गुणते 2 × 42 पुस्तक में 63 + 42 इक्वल टू 2 × 63 × 42 अपॉन, इसे हम जोड़ देंगे तो यह आ गया 105। इसे काटने पे आ जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति आवर। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? दोस्तों हमें पता है 50 पर हमें इसका एवरेज निकालना है। हमें परिणामों का योग वोग नहीं करना है, ना कि उन संख्याओं को भाग देना है। सीधा सीधा हम शुरू में आएंगे, मतलब पहला पद और लास्ट वाला पद लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, 5 2 कर देंगे, जो मेरा आंसर आ जाएगा वही इसका औसत आ जाएगा। तो हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यह हमारा औसत आ गया। अब 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत 50 तक का है, तो हमें पता है वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं,
यानी विभक्त हो जाए तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दो चार पचास तक, पचास तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम शुरू में लेंगे और लास्ट वाला संख्या लेंगे और इसे अपान में दो कर देंगे, जो भी हमारा आ जाएगा यानी इसे जोड़ेंगे तो आएगा 52/2। अभी आ गया 2×2=4, 2×6=12। इसी प्रकार प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालना, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों हमें कहा है 100 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम तो हमें 100 में 2 से गुणा कर देंगे तो वह हमारा 100 तक जो कहते हैं संख्या हो जाएगा, तो इसमें हम गुणा करेंगे हो जाएगा 200। शुरू वाला लेंगे और लास्ट वाला लेंगे, अपान दो कर देंगे, वही हमारा एवरेज आ जाएगा। 2×2=2, 101, ये हमारा एवरेज आ गया। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत दोस्तों दिया है 54, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। हमें पता है कि औसत जो भी होता है वो मध्य का संख्या आता है, तो हमें यह पता हो गया कि यह मध्य वाला संख्या है। अब 5 है और विषम संख्या है, तो हम 54 ले लेंगे। अब 54 से पहले क्या आएगा? 53 आएगा, और इससे पहले आ जाएगा 52, और इसके बाद क्या आएगा? 55 आएगा दोस्तों, तो और इससे भी आगे हो जाएगा 56। आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना। यह हमारा क्या है? औसत है, और हमें क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो ये लास्ट वाला हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी पूछा ये हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।